Many years ago, कई साल पहले, we were traveling from Savantwadi in Maharashtra. और महाराष्ट्र के सावंतवाड़ी में हम सफर कर रहे थे. We finished a crusade. वहाँ हमारी महासभा को हमने पूरा किया. And we got the news, you know, that Savantwadi there's no airport. और फिर हमें ये खबर मिली कि सावंतवाड़ी में कोई एयरपोर्ट नहीं है. So we got the news that the trains have stopped. और ये भी खबर मिली कि जो ट्रेन जो है आवाजाही वो भी बंद हो गई है. Some strike many years back. और कुछ हड़ताल जैसा हो गया बहुत साल पहले. And next day was another meeting. और अगले दिन दूसरी एक सभा थी. So I had to be in Mumbai. तो मुंबई शहर में भाई को आना था. And we were hunting for transport. और ट्रांसपोर्ट के लिए हम देख रहे थे पूरी तरह से. Finally we got one fellow. और आखिर में एक व्यक्ति मिले हमें. And our team was there. I think it was Dennis and मंडली के लोग थे. Somebody was there. I don't remember who now. Teresa was there. You were there? Yeah. And we were. Already some people were there. Somehow we packed inside that. It's called tracks. कितने जन्दे tracks? वो लंबा गाड़ी होता है. Okay. And we all came inside that. और हम सब उसमें आ गए समा गए. It was already 1 o'clock. और रात के 1 बज गए थे. And our fellow is driving. और हमारा व्यक्ति चला रहा था. Suddenly. अच्छा ना. We reached Ratnagiri. Ratnagiri पहुँचे हम. And got everybody was sleeping in the car. और कार में हर कोई सो रहा था. And the bad news was. और बुरी खबर ये. Even the driver was sleeping. ड्राइवर भी सो रहा था. He went like this. झपके लेने लगा. He slept on the wheel. व्हील पे ही सो गया. At 2:30 or 2:45. ढाई या पौने तीन बजे कुछ. I was praying. भाई प्रार्थना कर रहे थे. I was at the back of the seat. और एकदम पिछली सीट पे बैठे थे. Because we had put all the ladies in front. क्योंकि सारी महिलाओं को आगे रखा गया था. Suddenly the Holy Spirit said. फिर अचानक पवित्र आत्मा ने कहा. Son. बेटे. Pray for angels now. स्वर्गदूतों के लिए प्रार्थना करो आप. And listen to me. और सुनिए. For some strange reason. और कुछ अजीब वजह से. The car instead of going this way. और कार को इस ओर जाना चाहिए था. Started moving this way. मगर वो इस ओर. Because this side was a deep fall. क्योंकि इस ओर पूरी तरह से एक बहुत गहरा खाई था. रत्नागिरी घाट. If you would, I'm telling you, if you would have gone this side. अगर इस ओर चले गए होते. We would have straight gone down. सीधे हम नीचे चले गए होते. Hello. And the driver is sleeping. Sleeping on the wheel. ड्राइवर सो रहा है. And the car is going like this. और कार जो है अपने आप इस ओर जाने लगी. I got up and shouted, you know, Jesus, Yeshu. Everybody got up. और सभी लोग जाग गए. By that time, the car had stopped. Believe me, I'm telling you the truth. विश्वास करो सच्चाई बता रहा हूँ. The car stopped over there. और वहाँ पर कार रुक गई. We all got down. सभी लोग उतरे नीचे. Nothing happened to us. Nothing happened to the car. Nothing happened, even a scratch on the car. Forget on us. Hallelujah. ना हमें कुछ हुआ ना. The man was on the car. कार को कुछ हुआ. मैं कार कोई खरोच तक आई. हेलो फ्रेंड्स. दोस्तों. आई हैव सीन एंजेलिक प्रोटेक्शन इन माय लाइफ. और भाई ने अपने जिंदगी में स्वर्गदूत की सुरक्षा को देखा है. सो यू सी. तो आप देखते हैं. दिस थिंग्स आल्सो विल वर्क फॉर यू. ये चीजें भी आपके लिए काम करेंगी. बट यू हैव टू लर्न टू रिसीव दोस थिंग्स. मगर इन चीजों को ग्रहण करना आपको सीखना चाहिए. व्हाट यू बिलीव यू विल रिसीव. हालेलुया. जो आप विश्वास करते हैं वो आप पाओगे. हालेलुया. डोंट लुक एट योर बैकग्राउंड. अपने पार्श्वभूमि को मत देखो. डोंट लुक एट योरसेल्फ. मैं ऐसा हूं, मैं छोटा हूं, मैं देखकर ऐसा मत करें. मैं ऐसा हूं, मैं छोटा हूं. नो नो नो. नहीं. You have received Jesus. आपने यीशु को पाया है. Angels of God will work for you. तो परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके लिए काम करेंगे. Angels of God will work for you. परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके लिए काम करेंगे. Your mother, father may be far away somewhere. और हो सकता है आपके माता पिता दूर कहीं हो. They may be in different nations. वो किसी अलग देश में हो. But angels of God will move for you or for your their behalf right now. और परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके लिए उनके पक्ष में भी काम Believe करेंगे. Right now what I'm saying. विश्वास करें जो भाई कह रहे हैं इस वक्त. Lift your hand and say the ministry of angels. अपने हाथों पर उठा के बोलिए स्वर्गदूतों की सेवकाई. It's for me. ये मेरे लिए है. Because I'm a child of Jesus. Hallelujah. क्योंकि मैं यीशु की संतान हूँ. I'm a child of God. मैं परमेश्वर की संतान हूँ. In Jesus' name. यीशु के नाम में. Lift your hand and say, Lord, release your angels on my behalf. अपने हाथ उठाकर बोलिए प्रभु अपने स्वर्गदूतों को मेरे लिए भेज. See, some of you are not praying. खाली मुंडे हाथ उठा और ऐसा लिपस्टिक लगा देखो आप में से कुछ लोग प्रार्थना ही नहीं कर रहे इस वक्त. I know I can see you. How angels will even flies will not come for you. कैसे स्वर्गदूत आएंगे यहाँ तक कि मक्खियाँ भी नहीं आएंगी. Open your mouth. अपना मुख खोलो. And say, Lord, release your angels. और ऐसा बोलो कि प्रभु अपने स्वर्गदूतों को भेज मेरे लिए. Everything in my life that is not right. हर एक वो चीज़ मेरी ज़िंदगी में जो सही नहीं है. Set it right, Lord. उन्हें सही कर दे प्रभु. Release your angels of God. तेरे स्वर्गदूतों को भेज प्रभु. Let your glory be revealed in Jesus' name. बल तेरी महिमा जाहिर हो जाए यीशु के नाम में. In Jesus' name. यीशु के नाम में. May you receive good news even before you set foot in your house today in Jesus' name. आज अपने घर में कदम रखने से पहले आपको खुशखबरियां मिले यीशु के नाम में. May tomorrow's morning you receive good news in Jesus name. कल की सुबह आपको खुशखबरियां मिले यीशु के नाम में. Hallelujah. Hallelujah. I said hallelujah. हमने कहा हालेलुया. Listen. सुनो. These are not stories. ये कोई कहानियां नहीं है. This is reality. ये हकीकत है. Hello. Can I go further? You want me to stop now? क्या आगे बढ़ सकते हैं हम? Can I show you how to activate angels? क्या आपको दिखाया जा सकता है कैसे आप स्वर्गदूतों को काम पर लगा सकते हैं? Hello.
Okay, now my second thing. Now please listen to what I'm saying. और जो भाई बोलने जा रहे ध्यान से सुनिए. Write this down. लिख लो इसे. Come on, write this down. चलो लिख लो, लिख लो. Now there are many people. देखो बहुत सारे लोग हैं. When they hear the teaching on angels. जब स्वर्गदूतों के शिक्षण को सुनते हैं. They say, okay, good, that's very good. अच्छा है, चलो बहुत अच्छा है. Gabriel. जिब्राइल. You brought news to Mary that she will be bearing a child. I pray to you, Gabriel, give me also a child. और जिब्राइल तुमने मरियम के पास ये खबर पहुंचाई थी कि वो गर्भवती होगी. मैं प्रार्थना करती हूँ मुझे भी जिब्राइल एक बच्चा दे दो. हेलो माइकल मिकाएल द आर्कएंजल प्रधान स्वर्गदूत. हेलो मैं नहीं हूँ माइकल द आर्कएंजल. तो तुम लोग मेरे लिए भी प्रार्थना करोगे. माइकल द आर्कएंजल मिकाएल प्रधान स्वर्गदूत. सी नाउ देयर आर सम पीपल नाउ प्लीज फाइट विद द डेविल फॉर मी. मेहरबानी करके मेरे लिए मेरी खातिर शैतान से लड़ो. सो देयर आर पीपल टुडे ऐसे लोग हैं आज. Tell your neighbor, अपने बड़ों से को बोलो. You may be knowing some of them. शायद आप उनमें से कुछ को जानते होंगे. They pray to the angels. वे स्वर्गदूतों से प्रार्थना करते हैं. They pray to the angels. वे स्वर्गदूतों से प्रार्थना करते हैं. Oh mighty angel. ओ शक्तिशाली स्वर्गदूतों. Michael. मिकाएल. और कोई जो भी एंजल है प्लीज मेरी मदद करो. मेहरबानी करके मेरी मदद करो. The truth is. सच्चाई ये है. You cannot pray to angels. स्वर्गदूतों से आप प्रार्थना नहीं कर सकते हो. Lift your hand and say, you cannot pray directly to angels. अपने हाथ ऊपर उठा के कहें. आप सीधे स्वर्गदूतों से प्रार्थना नहीं कर सकते. Some people are praying 9 days, 10 days, 11 days. They are praying. Good people. उनको किसी ने बताया नहीं. और कुछ लोग 9 दिन, 10 दिन, 11 दिन जो है स्वर्गदूतों से प्रार्थना करते रहते हैं. अच्छे लोग हैं वो, लेकिन उनको किसी ने बताया नहीं है. बाजू वाले को बोलो अच्छे लोग हैं. बोलो अपने पड़ोसी को बोलो अच्छे लोग हैं. मैं किसी की निंदा नहीं करता. I never criticize people. किसी की निंदा नहीं करता. See, nobody told them. देखिए किसी ने उनको बताया नहीं है. Nobody told them. किसी ने उनको बताया नहीं. Hello? One lady. I'm telling you, it's not their fault. ये उनकी गलती नहीं है. Nobody shared with them. किसी ने उसे बांटा नहीं इस बात को. Because people say, छोड़ना करने देने एंजल के पास. But can I show you right now? क्या आपको दिखा सकते हैं इस वक्त? Say it after me. I cannot pray to angels. सभी लोग कहें. मैं स्वर्गदूतों से प्रार्थना नहीं कर सकता. Can we? Everyone say, I can learn from Jesus. What did Jesus do? Jesus one day was in a very difficult position. और एक दिन देखते हैं यीशु मसीह एक दिन ऐसा होता कि बड़े मुश्किल दौर में आ जाते हैं. He had worked miracles. उसे चमत्कार किए. And now? और अब? His own people, Judas is going to come and arrest him. उसके खुद के लोग उसमें से देखते हैं कि यहूदा जो आ रहा था उसे पकड़वाने के लिए. Surely Jesus could say. और यकीनन यीशु ने कहा होता. Angels. स्वर्गदूतों. Judas को ठिकाने लगा. यहूदा को ठिकाने लगा दो. Come on. Come on. Yes or no? आया नहीं. Next time you're trying, angels, कोई नहीं आएगा, मक्खी आएगा. Tell your neighbor, don't pray directly to angels. अपने पड़ोसी को बोलिए, सीधे स्वर्गदूतों से प्रार्थना नहीं करना. Okay, now see, he was in the garden of Gethsemane. और देखिए, गेथसेमने के बगीचे में था वो. Difficult position. और मुश्किल दौर. But what did Jesus? How did Jesus pray? मगर फिर भी यीशु ने कैसे प्रार्थना की? Go to Matthew 26. और निकालिए मत्ती का 26वां अध्याय. Verse 53. उसका. Please, I want you to open your Bibles. I want you to see this. Don't be like those people, those innocent people who are praying to angels. और देखिए उन लोगों उन निर्दोष लोगों के जैसा मत बने जो स्वर्गदूतों से प्रार्थना करते हैं. Oh dear Gabriel. Oh प्रिय जिब्राइल. Thou hast givest a child to Mary. Givest one child for me also. Hey, tell your neighbor not to pray to angels. अपने पड़ोसी को बोलिए स्वर्गदूतों से प्रार्थना नहीं करना. Oh Michael, how great thou art. I comest to thee for 9 days. Please givest me what I wantest. Knowest. Tell your neighbor. तुझे लोगों ने बेवकूफ बनाया आज तू सत्य पा रहा है. कितने लोग सुन रहे हैं? डोंट गेट एंग्री ऑन मी. गुस्सा मत होइए. मेडिसिन इज बिटर. दवाई जो होती है कड़वी होती है. देखो जब ऑपरेशन थिएटर में जाता है तो कोई जो ऑपरेशन करने के लिए हंस के जाता है, काटो काटो. डॉक्टर बोलते इसको पहले इसको थाने में लेके जाओ. काटो डॉक्टर काटो. कोई जाता है नहीं ना, डर के जाता है, रो के जाता है, डॉक्टर कुछ करो. लेकिन जब डॉक्टर काटता है वही आदमी बाहर आता है, बोलता है थैंक यू डॉक्टर, आपने मुझे काटा, मेरी जान बच गई. आपकी भी जान बच रही है. हालेलुया. लिफ्ट योर हैंड्स एंड रिसीव व्हाट आई एम टेलिंग यू. हालेलुया. ग्रहण करो जो भाई आपसे कह रहा है इस वक्त. Somebody say amen. कोई कहेगा आमेन. Can we pray to angels? The answer is no. Look at the scripture right now. क्या हम स्वर्गदूतों से प्रार्थना कर सकते हैं? जवाब है नहीं. See what the scripture says. Read your Bible now. और देखिए वचन क्या कहता है इस वक्त. Now the Lord Jesus is speaking, not Michael. Lord Jesus is speaking. और यहां पर देखिए प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, भाई माइकल नहीं. Do you think that I cannot now pray to my father? What? Say it loudly. Pray to my what? And he will provide me with more than 12 legions of angels.
और क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूं और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से भी ज्यादा मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा. हेलो, रीड दैट वर्स अगेन. उस वचन को फिर से पढ़ें. डोंट यू नॉट थिंक, क्या तू नहीं सोचता, दैट आई कैन नॉट नाउ प्रे टू माय फादर. प्रे टू माय व्हाट? Jesus is saying, I would have prayed to the Father. और यीशु कह रहे हैं कि मैं अपने पिता से विनती करता. And he would answer me. और वो मुझे जवाब देता. And provide me. और मेरे इंतजाम करता. Not just one or two angels. सिर्फ एक दो स्वर्गदूत नहीं. He would have provided thousands of angels. हजारों की तादाद में स्वर्गदूतों को मेरे लिए भेज देता. Come on, hallelujah. You see, it says 12 legion of angels. और देखो यहाँ पर आया है 12 स्वर्गदूतों की 12 पलटन. Hello. One legion is thousands of angels. और देखिए एक पटक में हजारों सौदूत होते हैं. You remember that demonic man? He was possessed with a demon called legion. Everyone say legion. आपको याद है दुष्टात्मा से ग्रसित वह व्यक्ति जो दुष्टात्मा की सेना से पीड़ित था? Some Bible scholars say 3,000 angels is one legion, 5,000 angels is legion. So 12 into 3, just 36,000 angels God would have sent him. He would have prayed. Everyone say prayed to the Father. अगर पिता से प्रार्थना किया होता तो 36,000 सौदूतों को भेज दिया होता. He said, "What do you come with these soldiers?" और क्या तुम ये सैनिक लोगों को लेकर आए हो? God will provide me this legion of angels. परमेश्वर मेरे लिए सौदूतों की ये पलटन को भेज देता. I would have prayed to the Father. मैंने पिता से प्रार्थना किया होता तो. Judas. यहूदा. ए बाबा, तुम लोग मेरे को पकड़ने आए. I would have prayed to the Father. Jesus praying to the यीशु पिता से प्रार्थना करते. For what? किस लिए? For angels. स्वर्गदूतों के लिए. Tell your neighbor, neighbor. अपने पड़ोसी को बोलो, पड़ोसी. Are you greater than Jesus? क्या आप यीशु से भी बढ़कर हो? Jesus praying to the Father. और यीशु पिता से प्रार्थना करते हैं. For angels. स्वर्गदूतों के लिए. And here. और यहाँ. We are directly saying Gabriel. हम सीधा कहते हैं जिब्राइल. Michael. मिखाइल. Raphael. Raphael. और कौन है भाई? Ariel, Uriel, सब लोग. अरे तू कौन है रे? Who are you? तुम कौन हो? बाजू वाले बोल तू नया दिखता है इधर. अपने पड़ोसी को तुम नया दिखते हो. इसीलिए तू पैसे प्रार्थना कर. Are you listening, church? आप सुन रहे हैं कलीसिया? So don't get into this thing. तो इन चीजों में मत आइएगा. So brother, हम लोग प्रार्थना के angels हैं. वो angels नहीं, बाबा, angels के base में demon आया रहेगा. Bible says wolves come in sheep's clothing. और देखिए ऐसा बाइबल ऐसा कहता है कि लोमड़ियां जो हैं भेड़ों का रूप लेकर आई हैं. You have to understand this. आपको इस सच्चाई समझने की जरूरत है. Jesus taught us to pray to the Father in the name of Jesus. और यीशु ने हमें सिखाया कि पिता से प्रार्थना करो यीशु के नाम में. See, some people are feeling some demon coming out now. और देखिए कुछ लोग ऐसा महसूस है कि दुष्टात्मा में से निकल रहे हैं. मुझे मालूम था इधर ये लोग ऐसा बराबर नहीं. Hey, listen, तू बराबर नहीं है. The word of God says like that. So you must change, not me. परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है तो आपको बदलने की जरूरत है, हमें नहीं. अपने पड़ोसी को बोलो, पड़ोसी, you have to receive this word. तुम्हें इस वचन को ग्रहण करने की जरूरत है. Hello, hello, hello. Are you listening? One day the disciples came to Jesus and said, Jesus. और एक दिन शिष्य लोग आए यीशु के पास कहने लगे, यीशु. Hello. See, in those days Mary was also alive. और देखिए उन दिनों में मरियम भी. Peter was also alive. और पतरस भी जिंदा था. Come on, था कि नहीं भाई? And in those days Jesus came and said, his disciples said, teach us to pray. और फिर हम देखते हैं शिष्य लोग आकर यीशु से कहने लगे, हमें प्रार्थना करना सिखा. You know, Jesus did not say. और यीशु ने ऐसा नहीं कहा. Pray in this manner. इस तरीके से प्रार्थना करना. Oh Gabriel. हे जिब्राइल. Hello. He said, our Father. और यीशु ने कहा, हे हमारे पिता. Tell your neighbor, Father. Do you know something beautiful about Jesus? आप जानते हैं यीशु के बारे में खूबसूरती को? No other faith tells you to call God as Father. Only Jesus taught us to call God our Father. दूसरा कोई विश्वास मत हमें नहीं सिखाता कि परमेश्वर को अपना पिता कहें. सिर्फ यीशु ने सिखाया है कि परमेश्वर को हम अपना पिता कहकर पुकारें. Before debating with me, go and check it in any book. Only Jesus taught us to call God our Father. विवाद करने से पहले जाकर किसी भी पुस्तक में ढूंढ लीजिएगा, आपको मिल जाएगा. सिर्फ यीशु ने ही सिखाया है कि परमेश्वर को हम अपना पिता कहकर पुकारें. Some people say हम परमेश्वर के बंदे. बंदे मतलब slaves. We are not God's slaves. We are children of God. हम परमेश्वर के बंदे नहीं हैं. बंदे नहीं रे. गुलाम नहीं है, परमेश्वर के बच्चे हैं. तू छुटा हुआ है. Friends, many Christians don't understand this truth. बहुत सारे मसीह सच्चाई को समझते नहीं है. You're not a slave of God. आप परमेश्वर के गुलाम नहीं हो. You're a child of God. आप परमेश्वर के बच्चे हो. You're a child of God. आप परमेश्वर के बच्चे हो. Somebody say amen. कोई कहेगा amen. So stop praying directly to angels. और सीधे स्वर्गदूतों से प्रार्थना करना बंद करो. Nowhere we see anybody calling angels directly. और कहीं पर भी हम नहीं देखते कोई भी इंसान स्वर्गदूतों को सीधे बुला लेता है. You worship God.
परमेश्वर की आराधना करते हो. God sent the angels. अपने परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजता है. How many angels? Let God decide how many angels. और कितने स्वर्गदूतों को परमेश्वर को तय करने दो कितना स्वर्गदूत भेजेगा. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. I said praise the Lord. हम कह रहे प्रभु की स्तुति हो. So today you need to, if you are praying, been praying to angels. अगर आप स्वर्गदूतों से प्रार्थना करते हो. That's not right according to the Bible. तो बाइबल के मुताबिक ये सही नहीं है. Today. आज. I will only say one thing. एक ही चीज कहेंगे. Pray to the Father. पिता से प्रार्थना करो. In the name of Jesus. यीशु के नाम में. Somebody say Father. कोई कहेगा पिता. In the name of Jesus. यीशु के नाम में. That's how you pray. इस तरीके से आपको प्रार्थना करनी है. Hello, it's not in the name of Michael. It's not in the name of anyone. It's in the name of Jesus. ये माइकल या किसी और नाम में नहीं, सिर्फ यीशु के नाम में. Look at Apostle Paul. फिर पौलुस को देखिए. He said in the name of Jesus. उसने कहा यीशु के नाम में. Look at Peter. पतरस को देखो. Mighty apostles. परमेश्वर का सामर्थी प्रेरित. More powerful than us. और हम में से हमसे ज्यादा सामर्थी. But they prayed in the name of Jesus. मगर उन्होंने यीशु के नाम में प्रार्थना किया. Tell your neighbor. अपने पड़ोसी को बोलो. Who are you? तुम कौन हो? You man, hello? नहीं 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 मुझे सिखाया गया, गलत सिखाया था. सिखाया गया, लेकिन गलत सिखाया गया. So today, तो आज, my third point, तीसरा मुद्दा. So brother, I know now. भाई अभी मुझे पता चल गया. What angels can do for me? स्वर्गदूत क्या कर सकते हैं मेरे लिए? How we should not pray to angels? और हमें ये भी पता चला कि हमें स्वर्गदूतों से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए. But let me tell you now. अगर आप बताने दो हमें. How to activate angels? Lift your hand and say how to activate angels. स्वर्गदूतों कैसे काम पर लगाया जा सकता है? Every Christian can activate angels on his behalf. Say amen. हर एक मसीह जो है अपने पक्ष में स्वर्गदूतों को काम पर लगा सकता है. Are you ready right now? जब तैयार है इस वक्त. If you're ready, lift your hands and say the ministry of angels. Hallelujah. जब तैयार अपने हाथ उठाकर बोले स्वर्गदूत की सेवकाई. Come on, come on, come on. Everyone say the ministry of angels. चलो चलो बोलो सभी लोग स्वर्गदूत की सेवा खाई. हालेलुया हालेलुया. गो टू साम 103 राइट नाउ. निकालिए भजन संहिता का अध्याय 103 वर्स 20 20वें वचन में. हाउ टू एक्टिवेट एंजल्स. नाउ प्लीज लिसन. कैसे स्वर्गदूतों को आप काम पर लगा सकते हैं सुनिए. हाउ मेनी ऑफ यू रेडी राइट नाउ. कितने तैयार हैं इस वक्त? से आई एम रेडी लॉर्ड. बोलिए मैं तैयार हूं प्रभु. साम 103 वर्स 20 भजन संहिता का अध्याय 103 उसका 20वां वचन. नाउ आई वांट टू शो यू समथिंग. आपको कुछ दिखाना चाहते हैं अभी. व्हाई यू नीड टू एक्टिवेट एंजल्स. क्यों आपको स्वर्गदूतों को काम पर लगाना चाहिए? प्लीज लिसन. सुनो ध्यान से. यू सी अब्राहम. आप देखते हैं अब्राहम को. हे हाउ मेनी ऑफ यू रेडी नाउ लिसन. कितने तैयार हैं हम? हे यू आर सम ऑफ यू सेलेक्टेड. नो आप ऐसे कर रहे हैं. अब्राहम. अब्राहम ही वांटेड अ वाइफ फॉर हिज सन आइज़क. और वो अपने बेटे इसहाक के लिए पत्नी चाहता था. He was a rich man. वो अमीर आदमी था. So when you're rich, जब आप अमीर होते हैं, when you have the honey, और जब आपके पास हनी है, lot of flies will come. बहुत जब आपके पास शहद होते हैं तो बहुत सारी मक्खियां आएंगी. When you have money, आपके पास पैसे हो, you don't know who your friends are, who your enemies are. और आपको ये पता नहीं चले कौन आपके दोस्त है कौन आपके दुश्मन है. Come on. When you have no money, जब आपके पास कोई पैसा नहीं, you know who your friends are. तब आपको पता चल जाएगा आपके दोस्त कौन है. Hello. So Abraham was a rich man. तो अब्राहम एक अमीर आदमी था. Now rich man looking out for a girl for his. और देखते हैं एक अमीर आदमी जो है अपने बेटे इसहाक के लिए पत्नी को देख रहा है. So many people must be winking at Isaac, you know. But you know what Abraham said? आप जानते हैं अब्राहम ने क्या कहा? He called his servant Eliezer. उसने अपने सेवक को बुलाया Eliezer को. And he said something. और उसने कुछ कहा? God is going to send His angel with you, Eliezer, and He is going to select the right girl for my. परमेश्वर तुम्हारे साथ अपने स्वर्गदूत को भेजेगा और वो तुम्हारी मदद करेगा सही लड़की को मेरे बेटे के लिए चुनने के लिए. So you see people of God. तो आप देखते हैं परमेश्वर के लोगों को. How angelic ministry was involved in the marriage of Isaac. Hallelujah. और हम देखते हैं इसहाक की शादी में कैसे स्वर्गदूत की सेवकाई भी शामिल रही. How many of you listening right now? कितने सुन रहे हैं इस वक्त? So you see, it is important that you know how to activate angels. तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है ये बात को जान लेना कि कैसे स्वर्गदूतों को आप काम पर लगा सकते हो. Somebody shout a hallelujah. कोई चिल्लाए हालेलुया. This sister's name is Philomena. She comes from Malad. ये बहन का नाम फिलोमिना है. ये मलाड से आती है. She says her husband was diagnosed with prostate cancer. ये कहती है कि इनके पति को जो है बीमारी थी prostate cancer. And he was cancer. He was supposed to go for surgery. और उनको surgery के लिए जाना था. But this sister's son told her to come to Karuna Sadan for prayers. ये बहन के बेटे ने उनको बोला कि आइए करुणा सदन मिनिस्ट्री में प्रार्थना के लिए. After regularly attending the meetings for 2 weeks, और दो हफ्ते के लिए ये प्रार्थना के लिए आती थी. Yeah, and chemo and everything was advised to him. Chemo, operation, everything was advised. What happened? Admission to hospital. Finally, doctor, after I came here and I went to him, doctor said there's no need for surgery, no need of admission also. He only has to go and take one injection once a month.
और यहाँ पर आने के बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन भी नहीं कराना है, सब कुछ बोल दिया. Father, I rebuke this cancer. Close your eyes. We rebuke this cancer in the family. Coming down from every ancestral curse. In Jesus' name. इस कैंसर को फटकारते हैं जो कहीं से भी पूर्वजों के श्राप में से आया है, यीशु के नाम में. I rebuke the death in this family in Jesus' name. इस परिवार में मौत की आत्मा. Any spirit of death working against this family in Jesus' name. इस परिवार के खिलाफ में काम करने वाले हर एक मौत की आत्मा को डांटते हैं यीशु के नाम में. It's a husband, right? The Lord bless your husband in Jesus' name. प्रभु आपके पति को आशीष दे यीशु के नाम में. God's people said. परमेश्वर लोगों ने कहा. Give Jesus a shout. Come on, come on, come on. God bless you. This is Sister Flossie Gomes. ये बहन का नाम Flossie Gomes है. She was praying for her son Craig to get a good job. और ये इनके बेटे के लिए प्रार्थना कर रही थी ताकि उनको एक अच्छी नौकरी मिले. He had got a job, but due to an accident, he had to quit his job. और ये कहते हैं इनके बेटे को नौकरी तो मिली थी पर कुछ दुर्घटना के वजह से इनकी नौकरी छूट गई. Then she started praying from the diamond book. और ये जो है diamond की पुस्तिका में से प्रार्थना करती रही. And within a few days, he got a call from JW Marriott. कुछ ही दिनों में इनको जो है JW Marriott बड़ा होटल है वहाँ से उनको बुलावा आया. He went for the interview, passed all the tests. ये इंटरव्यू के लिए गए, टेस्ट भी पास किया. He got the job from 10th Jan 2017. और 10 जनवरी से इनको नौकरी मिल गई. And he's very happy. Can you give him a big God bless you? Father, we pray for protection upon his job. We pray God that he would have favor on his job. Release your angels, Father. And God's people said, Amen. Great, God bless him. This is Sister Sangeeta Swami from MIDC. ये बहन का नाम संगीता स्वामी है, MIDC से आती है. This sister says, ये बहन कहती है, For the past 5 months, she was not able to get her menses regularly. पिछले 5 महीनों से इनको जो है मासिक धर्म जो नहीं होता था. Then few weeks back there was a word of knowledge that कुछ हफ्ते पहले ज्ञान का वचन आया कि that the abdomen issue all those are suffering from. I had prayed. How many of you know I had prayed for people for sisters. I told them to lay hands on your abdomen and pray. Come on. मैंने लोगों को जो बहन है उनसे कहा गया था कि अपने पेट के निचले हिस्से में रख के प्रार्थना करें. At that very moment she received that word of knowledge. और कहते हैं कि उसी समय उन्होंने ज्ञान का वचन जो है स्वीकार किया. And the very next day she was about to go to the doctor. अगले दिन वो डॉक्टर के पास जाने वाली थी. But the very next morning she got her menses. और अगले दिन उनको अपना मासिक धर्म हुआ. Father, we just pray, God, every demonic power, leave her life in Jesus' name. Hare Shatran Shukri Nika Jan Ki Zindagi Se. Amen. Give her a big God bless you. Next one, hurry up. Yes. This sister's name is Saloni Samudre. ये बहन का नाम सलोनी समुद्र है. She says her father went through an cataract operation. और कहते हैं कि इनके पिता जो है cataract operation से गुजरे थे. But even after the operation, he was unable to see clearly. Operation के बाद इनके पिताजी को दिखता नहीं था बराबर. This sister. Your father could not see clearly even after the operation. Is it true? Yes. Go ahead. This sister started attending the family blessing meeting. ये बहन यहाँ पर पारिवारिक आशीष की सभा में आती रहती थी. She says today is the 7th meeting that she is attending. कहती है यहाँ पर आज 7वां मीटिंग है जो आई है. Lord supernaturally healed her father and he is able to see completely. परमेश्वर ने अलौकिक तौर पर इनके पिताजी को छंगाई दी और कंप्लीट पूरी तरीके से छंगाई मिली है. That's a miracle, brother. She has a second testimony. Amazing. Amazing. Her father was jobless. इनके पिताजी जो है इनको नौकरी नहीं थी. If you don't have, cannot see, how can you get a job, man? I'm so sorry, but you know, see how God heals you. देखो कैसे परमेश्वर आपको चंगा करता है. Some people will say ना, oh ऐसा सब नहीं होता है. नहीं कुछ लोग कहेंगे ना, oh ऐसा सब नहीं होता. Purposely I said it. If a person cannot see, he cannot work. Now he's got a job. That means he can easily see. Hallelujah. और अगर एक व्यक्ति देख नहीं सकता तो कोई काम धंधा मिलेगा नहीं. May you receive your job today, right now, in Jesus' name. आपको अपनी नौकरी मिले आज यीशु के नाम में. Her father was jobless and she is here to testify that he is also blessed with a job. कहती है कि इनके पिताजी को नौकरी नहीं थी पर अब नौकरी भी मिल गई है. I don't want to prophesy right now because I'm losing time, but I want to pray over your life because I see some issue with your education. Hallelujah. और मामला कुछ देख रहे हैं आपकी पढ़ाई से जुड़ा हुआ कोई मामला है. Can you hold my hand? भाई हाथ पकड़िए. Thank you, Lord. Say, Lord, touch my education. Lord, touch my education. Don't worry. Thank you. Just hold my hand. Father, in Jesus' name, every worms that are against her, I don't see worms. जिनके खिलाफ में है प्रभु. I rebuke it. फटकारते हैं यीशु के नाम में. In Jesus' name. यीशु के नाम में. In Jesus' name. यीशु के नाम में. And God's people said, Amen. और परमेश्वर लोगों ने कहा, Amen. How much have you studied? You're in only an 8th standard. Yes. Everything that is trying to come against your education is going to go away in Jesus' name. Amen. You don't know what I'm saying. You'll complete your studies very well. Go now.